सुपेला गदा चौक स्थित देशी अंग्रेजी शराब दुकान हटाने और उसे अन्यत्र आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित करने आबकारी विभाग द्वारा भिलाई निगम को 2 बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है। बावजूद इसके शराब दुकानों को हटाने निगम प्रशासन द्वारा जगह उपलब्ध कराने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए उदासीनता बरती जा रही है। युवा शक्ति संगठन के बैनर तले सुपेला गदा चौक स्थित देशी अंग्रेजी शराब दुकानों को हटाने लगातार अभियान चलाया जाता रहा है, जिसमें सुपेला लक्ष्मी मार्केट के रहवासियों सहित व्यापारियों का इन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। शराब दुकानों के कारण सड़क जाम होने, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहने, आए दिन आपराधिक घटनाएं होने जैसी शिकायतें संगठन द्वारा जिला आबकारी विभाग में की गई थी। इसी के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा नगर निगम आयुक्त को शराब दुकानों के लिए आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने 2 बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। संगठन के अध्यक्ष मदन सेन, संरक्षक पारस जंघेल, सदस्य जुनैद खान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व आयुक्त द्वारा हमारे संगठन से मिल करके यहाँ का सर्वे किया गया था, देखा गया था। उस समय आयुक्त ने बोला था, दूसरा इसके पूर्व जो आयुक्त थे, कि ये भट्टी को मैं जैसे क्या बोलते हैं आबकारी विभाग से लिख के आएगा तो मैं तुरंत हटवा दूंगा। लेकिन अब उस समय तो आबकारी विभाग हमारी समिति को, संगठन को कोई सहयोग नहीं दे रहा था। वर्तमान में आबकारी विभाग और शासन ने सहयोग करते हुए इसको हटाने का आदेश कर दिया है, जानकारी दी, आदेश हो गया है, सुनने में आया है। लेकिन यहाँ के आयुक्त महोदय के हाथ में पूरा है। आयुक्त महोदय चाहें तो तत्काल में कहीं पर जगह देते, जैसे ऋतुराज रघुवंशी चाह रहे थे कि मैं तुरंत हटवाऊंगा जैसे मेरे हाथ में आएगा। अब इनके हाथ में आया है तब ये यहाँ के मोहल्ले वालों, यहाँ के मार्केट वालों का सहयोग करते हुए तत्काल में कोई जगह मुहैया कराएं जिससे ये भट्टी हट जाए। हम नगर सरकार का सहयोग चाहते हैं। युवा शक्ति संगठन के द्वारा सतत प्रयास किया गया, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, साक्षर अभियान किए गए, फिर धरना प्रदर्शन किया गया, मसाल जुलूस निकाला गया। सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के बाद भी जब हमने मुख्यमंत्री महोदय का घर भी घेरने की कोशिश किया था उनके बंगले को, और हमको रोक दिया गया था। इन सब के होने के बाद आबकारी विभाग ने संज्ञान लेते हुए निगम को एक लेटर में ये किया कि हमको जगह प्रदान की जाए, पर नगर निगम अभी भी उसमें कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। नगर निगम पूरी तरह से सोई हुई है, अभी तक उनको ये नहीं दिया गया, जगह नहीं दिया, जिसके कारण आबकारी विभाग से मिलने पर पता चलता है, वो बोले कि हमको निगम जगह दे दे तो हम एक दिन में हटा देंगे, हमको एक दिन नहीं लगेगा हटाने में। पर अब कहीं ना कहीं मुद्दा आके फंस रहा है कि नगर निगम उसमें संज्ञान ले नहीं ले। निश्चित तौर पर सुपेला देसी शराब और अंग्रेजी शराब दुकान जो है मुख्य मार्ग पर स्थापित है, उसको लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे थे युवा शक्ति संगठन के माध्यम से, और विगत दिनों 23/8 को हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंपा था, और आबकारी विभाग द्वारा 13/9 को नगर पालिक निगम को एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्थल की मांग की थी, विवादित स्थल ना हो ऐसा स्थल हमारे को प्रदान करें जिससे हम शराब भट्टी को स्थानांतरित कर पाए। उसके बाद भी 15 दिन बीत जाने के बाद भी नगर पालिक निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया, नगर प्रशासन ने इस पर विचार नहीं किया, तो हमने फिर आबकारी विभाग को फिर से निवेदन किया, तो उन्होंने 30/9 को फिर से रिमांडर लेटर जारी किया नगर पालिक निगम को। अब नगर पालिक निगम के ऊपर है कि कब तक उसको स्थानांतरित करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। आबकारी का कहना यही है कि नगर पालिक निगम कल जगह प्रदान कर दे, हम स्थान परिवर्तन कर देंगे। गौरतलब है कि शराब दुकानों के कारण मुख्य मार्ग सुबह से रात तक बाधित रहता है, सड़क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बने रहता है, जिससे यहां से गुजरते वाहन चालकों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन को आपत्ति रहित स्थल प्रदान करने शीघ्र पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।